सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दी चैनल आरएस गेमर। सो लास्ट वाले एपिसोड में अपने लोगों ने करी थी 50,000 million dollars की रॉबरी। तो अभी तो मेरे पास रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से मैंने आधे रुपए दे दिए थे स्वीट को। तो आज अपने जो घर के पीछे एक पड़ोस वाला जो बंदा है ना, उसने भाई निकाली है R15 यामा वाली। तो मैं देखने जाने वाला हूँ कि भाई क्या सीन है। भाई उसने कल ही खरीद ली, और वो भी इतनी महंगी बाइक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाई साहब। फटाफट से देखने के लिए चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अपने घर के जस्ट पीछे वाला जो बंदा है ना, पड़ोस वाला, उसने भाई R15 निकाली। भाई मेरे पास तो कोई बाइक भी नहीं है। ये देखो, ये जो ऊपर घर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो घर है, इसमें भाई वो रहता है। वायदा भी मैं आपको बता दूं कि अपना एक बंगला बन रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग वगैरह सब कुछ, पूरा VIP वाला घर बनवा रहा हूँ। वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पर देखते हैं जरा कि क्या सीन है। यहाँ पर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी प्रोटेक्शन मिल रही। ओ भयंकर, इसने तो पूरा का पूरा अपना घर ही चेंज करवा दिया। ओ भाई, यहाँ पर तो ये जो बैरियर वगैरह कुछ भी नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था। ये जो इन्होंने ये जो मतलब जो हाउस छोटा सा ये बनवाया ना, ये मतलब फाटक जैसा, ये पहले कुछ भी नहीं था भाई साहब। गार्ड ही गार्ड खड़े हुए अंदर। तो भाई साहब मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है अंदर जाना। एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैंने एक कार का जुगाड़ करता हूँ, पता है कौन सी कार, जो कि मतलब जैसे अरे अरे ओ ओ पलट मत जाइयो, ओ मतलब मैं एक काम करूंगा, कोई कार मैकेनिक की कार ढूंढूंगा और फिर मैं इस घर के अंदर एंटर करूंगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड वालों को बोलूंगा कि मैं कार रिपेयर करने के लिए आया हूं, और फिर मैं इस घर के अंदर एंटर कर दूंगा। तो फटाफट से कार मैकेनिक की या फिर कोई कार वगैरह या फिर कोई ट्रक वगैरह मिल जाए, ढूंढने का जुगाड़ करते हैं जैसे जैसे करके। ओके गाइस, यहां पर फाइनली कोई एक ट्रक मिल गया है, शेडी इंडस्ट्रीज करके कोई ट्रक है। तो यहां पर फटाफट से उसके घर के पास चलते हैं। ओ, इसका तो पिकअप ही नहीं है बिल्कुल। है भाई, कैसे नहीं है पिकअप? फटाफट से, मैं गलत तो नहीं जा रहा? पता चले मैं गलत उसके घर के अंदर एंटर करता हूँ। लेट्स गो, हट जा भी। ये कार वगैरह वाले बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो? हटा लो भाई, इतना तगड़ा जाम लगा रखा है। ओ शिट शिट, ट्रक ना पलट जा भाई। ओ हटा ले हीरो, हटा 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 हटा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले ट्रक को ना साइड में खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से इस सिक्योरिटी गार्ड वाले से पूछ कर देखते हैं कि क्या ये मेरे को अंदर जाने देगा। ओके गाइस, यहाँ पर इससे बात वगैरह कंप्लीट हो चुकी है फुल्ली, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि अंदर जा सकते हो। और इसने मेरे जो वेपन्स थे ना, वो सारे के सारे ले लिए हैं, लेकिन मैंने एक गन ट्रक के अंदर ही छोड़ दी थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अंदर एंटर करता हूँ और देखते हैं कि क्या सीन है। सो गाइस, यहाँ पर देखते देखते रात होने वाली है, और यहाँ पर भर भर के सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। भाई साहब देख रहे हो, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड भयंकर, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी आज तक नहीं देखी मैंने। और वो देखो, वो शायद उसका हेड है ना, वो देखो वो गेट के पास खड़ा हुआ है। पता नहीं कुछ बात वगैरह, कहीं लड़ाई वगैरह तो नहीं होगी घर पे? अच्छा, लगता है इसकी जो वाइफ है वो घर के अंदर नहीं घुसने दे रही है। मुझे ऐसी कुछ सीन लग रहा है भैया जी। हाँ, ये लड़ाई वड़ाई कर सकता है वो भयंकर। यहाँ पर मैं आ तो गया हूँ, और यहाँ पर मैंने गन तो नहीं निकाली ना बाहर। ओ भाई, R15 खड़ी है सामने। ओ भयंकर, ओ भाई R15 खड़ी है। एक काम करते हैं, ये वाला ट्रक ना यहीं पर ही खड़ा कर देते हैं। उतरो भाई, भाई साहब यहाँ पर तो भर भर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, वो मैंने वेपन नहीं निकाला है। अब एक काम करते हैं, एक इस वाले सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इस सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि वो बोल रहा है कि फटाफट से अब तुम अंदर निकल जाओ, बाहर रहने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो काम करने आए हो, फटाफट से वो काम करने के लिए अंदर घुस जाओ। तो यहाँ पर भाई R15 तो पीछे खड़ी हुई है। वो देखो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4 भाई साहब भर भर के सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर। तो भाई साहब वो देखो, उनका मेन हेड है। अब देखते हैं क्या मैं अंदर जाऊँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। भाई मुझे तो नहीं लगता कि मेरा यहाँ पर कोई काम है। एक काम करता हूँ, घर के पीछे ना मैं कुछ ना मतलब एक टाइप से ना, ये देखो पीछे इसका स्विमिंग पूल भी है भाई साहब। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ ना जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर ना कुछ ब्लास्ट वगैरह कर देता हूँ, कोई मतलब जैसे कि स्टिक की बॉम्ब लगा के ना मैं एक ब्लास्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना, वो भागे भागे यहीं पर ही आ जाएंगे देखने के लिए कि भाई क्या हो गया। और इसी टाइम पर मैं क्या काम करूँगा, मैं R15 लेके भाग के निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास पहले छुप जाओ, पहले कहीं पर छुप जाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर छुप जाते हैं। अब फटाफट से निकालते हैं अपने लोग। मेरे पास वो स्टिकी बॉम्ब है क्या? मेरे पास स्टिकी बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन ये बॉटल है मेरे पास। बॉटल से काम चल जाएगा क्या? बॉटल से देखते हैं ज़रा। मेरे पास बॉटल तो है, वो भी वाइन वाली है। यहाँ पर मैं फोड़ के देखता हूँ। मैंने तो भर भर के फोड़ दे रहा हूँ मैं तो यहीं पर ही। भाई साहब अब यहाँ से निकल जाओ पहली फुर्सत में। अगर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वालों ने देख लिया कि ये काम मैंने करा, मैं तो मर मरा जाऊँगा फिर काम कहाँ के। बस अब ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा अब यहाँ से कूदो और पीछे की साइड से अब निकलते हैं। अरे अरे बस, अब यहाँ से अपने इसकी दीवार से एंटर कर जाएंगे चुपचाप से, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली। चढ़ तो जाऊँगा, अरे यार चढ़ भी नहीं पा रहा मैं, क्या करूँगा।
बस यहाँ से आप जरा चेक करो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है क्या। नहीं भाई ये तो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया भाई, सिक्योरिटी गार्ड का तो कुछ असर ही नहीं पड़ा भाई उनको, भाई वहीं के वहीं खड़े हुए हैं भाई ये। अब मैं क्या करूँ मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा भाई। सो गाइस मैं इनकी दोबारा से घर के पीछे आ चुका हूँ। अब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड वालों को शक हो रहा है क्योंकि वो बार बार मेरी तरफ मुंह मोड़ मोड़ के देख रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बॉटल थी, बॉटल 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 बॉटल, ये रही बॉटल। अब यहाँ पर मैं इनके जस्ट सामने फेंकूंगा तो इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी गार्ड इस तरफ आएंगे और मैं यहाँ से भग के उस तरफ से मैं R15 लेके भग जाऊंगा। चलो भैया जी फेंकना शुरू करते हैं यहीं पर। या ओ अरे 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 ये क्या हो गया, ओ भयंकर, ये तो भाई मेरे सामने आ गई सीधे सिक्योरिटी गार्ड। ओ भाई फायरिंग चल रही है उधर तो, ओ भयंकर भाई साहब, वो देखो वो यहाँ पे नीचे छुप जाओ, नीचे छुप जाओ भाई। ओ भाई मार रहे हैं तो मेरे को। और भैया जी भाई साहब जल्दी जल्दी आओ भैया जी, निकल रहा यहाँ से। एक काम करते हैं, अरे भैया जी भागना, क्या पागल बंदा है भाई साहब। एक काम करते हैं पीछे से निकल जाओ यहाँ से क्योंकि मेरे को भाई पंगे वंगे नहीं लेने। यहाँ से उतरो और उस तरफ से घर की सब बैक साइड से उधर से चलते हैं अपने लोग। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो यहाँ से, बस उधर से मैं सीधा R15 उठा के सीधा निकल जाऊंगा। भाई साहब मैं जैसी बॉटल फेंकने गया भाई तो उनको पता नहीं क्या पता चल गया, उनको शक हो रहा था, मुझे पता था उनको शक हो रहा था। भाई साहब मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ और ये सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ भैया जी। मैं एक काम करता हूँ यहीं से सीधा कूद जाते हैं हम पास। अरे यार अब इसको मारो 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 मारो, कहाँ गया ये। ओ भाई मिनी गन पकड़ रखी है, ओ तेरी, मर गया क्या मैं, मर गया। ओ शिट भाई मिनी गन पकड़ रखी थी उसने। और क्या हो गया भाई, क्यों मुझे क्यों मार रहा है, पागल वागल है, आंटी वांटी क्या क्या हो गया, खाम का मारन लग रहा है मुझे। भाई ये क्या है, मतलब कुछ भी भाई, हम कार चुराने जा रहे हैं, उन्होंने तो भाई सीधा हमें मिनी गन से उड़ा के रख दिया, भाई ऐसा कब होता है। चलो देखते हैं भाई क्या अपने लोग नेक्स्ट एपिसोड में R15 को चुरा पाएंगे, भाई पता नहीं यार क्या ही होगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि भाई कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में बंगला में आपको दिखाऊंगा कि बंगला कैसे है, मतलब बंगला में बनवा रहा हूँ स्विमिंग पूल मूवी पूरा, मतलब मूवी सेट वगैरह सब कुछ, सब कुछ, पार्टी वार्टी सब, स्पीकर वीस्पीकर सब पूरा चिल करने के लिए सब कुछ है। तो देखना नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा हो करना प्लीज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।